सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 2021 to 2022, क्लास 10th, साइंस, कोड 086, टाइम 90 मिनट्स, जनरल इंस्ट्रक्शंस। 1. द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 3 सेक्शंस होंगे। 2. सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चंस, अटैम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। सेक्शन ए में टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे, अटैम्प्ट करने होंगे 20 क्वेश्चंस को। 3. सेक्शन बी हैज़ 24 क्वेश्चंस, अटैम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे, अटैम्प्ट करने होंगे 20 क्वेश्चंस को। 4. सेक्शन सी हैज़ 12 क्वेश्चंस, अटैम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। सेक्शन सी में टोटल हमारे 12 क्वेश्चंस होंगे और अटैम्प्ट करने होंगे 10 क्वेश्चंस को। 5. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कंसिस्ट करेंगे। 6. देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सेक्शन ए, सेक्शन अ कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस, अटैम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। ये टोटल कंसिस्ट करेगा 24 क्वेश्चंस और अटैम्प्ट करने होंगे 20 क्वेश्चंस को। द फर्स्ट अटैम्प्टेड 20 क्वेश्चंस वुड बी एवेल्युएटेड, पहले अटैम्प्ट किए गए 20 क्वेश्चंस को ही एवेल्युएट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1. रीमा टुक 5 ml ऑफ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड एडेड अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व। रीमा एक गर्ल है, उसने लिया है 5 ml ऑफ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक बीकर में एंड उसने ऐड कर दिया है उसमें 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगी। 4 options आर गिवन टू अस। ए, द सॉल्यूशन टर्न्ड रेड। बी, येलो प्रिसिपेट वॉज फॉर्म्ड। सी, वाइट प्रिसिपेट वॉज फॉर्म्ड। एंड डी, द रिएक्शन मिक्सचर बिकेम हॉट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज येलो प्रिसिपेट वॉज फॉर्म्ड। येलो प्रिसिपेट हमारा फॉर्म्ड होगा। ओके, नाउ मैं भी इसको टिक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट हमें दिया गया है जो एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 में। इस एक्सपेरिमेंट को मैं समझाता हूँ इजीली। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जो हमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। जिंक ग्रैन्यूल को एक टेस्ट ट्यूब में लिया गया है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड कर दिया गया है। ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, स्टैंड है, क्रिस्टल फनल है, डिलीवरी ट्यूब है, बबल ऑफ गैस है, बबल फॉर्म्ड हो रहे हैं, सोप सॉल्यूशन लिया है, सोप बबल फिल्ड विथ गैस ए, कैंडल से बर्न किया गया है, बर्निंग ऑफ गैस ए विथ अ पॉप साउंड। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें बताना है कि जो बबल ऑफ गैस ए है वो कौन सी गैस है हमारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज बी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड होगी, तो इसको टिक कर देंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ये हमें एक टैबलो फॉर्म में दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है मेटल डिल्यूट HCl, मेटल सेल्ट गैस। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 combinations आर करेक्ट, इनमें से कौन से 2 combinations हमारे करेक्ट हैं। टेबल है मेटल गैस इवॉल्व्ड, 1 copper यस, 2 iron यस, 3 magnesium नो, 4 zinc यस। ए 1 and 3, बी 1 and 4, सी 2 and 3, डी 2 and 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 3 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है हमारा 2 and 4, 2 iron यस एंड 4 zinc यस। तो आयरन एंड जिंक इसमें हमारे शो करे जा रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले मैं टिक कर देता हूँ ताकि इजीली आप लोग समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा ऑप्शन डी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट केमिकल इक्वेशन है जो कि बैलेंस्ड है। तो 4 केमिकल इक्वेशन हमें दी है, इसमें आप लोग दे सकते हैं ए बी सी डी, 4 इक्वेशंस दिए हैं। तो आप लोग देखिए इसे, बताइए कौन सी बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी। अब हम देख सकते हैं इसमें कि जो हमें फर्स्ट केमिकल इक्वेशन दी है ए, जो कि है ए हमारी Fe सॉलिड स्टेट में प्लस 4H2O वाटर से आप रिएक्ट करवाते हैं गैसीय स्टेट में, तो वो फॉर्म करता है एरो Fe3O4 सॉलिड स्टेट में प्लस 4H2 गैसीय स्टेट में। तो हम दे सकते हैं ये हमारी बैलेंस नहीं है। ऑप्शन बी में 3Fe सॉलिड स्टेट में प्लस 4H2O गैसीय स्टेट में, एरो Fe3O4 सॉलिड स्टेट में प्लस 4H2 गैसीय स्टेट में। तो ये हाँ एकदम करेक्ट है, ये बैलेंस्ड है हमारी। 3 मोल्स ऑफ एफ ई है, 4 मोल्स ऑफ वाटर है, और इस साइड भी हमारा दिखा रहा है 3 मोल्स ऑफ एफ ई एंड 4 मोल्स ऑफ H2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उसको हम टिक कर देंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी में केमिकल इक्वेशन दी है 3Fe सॉलिड स्टेट में प्लस H2O गैसेस स्टेट में, एरो Fe3O4 सॉलिड स्टेट में प्लस H2 गैसेस, ये हमारी बैलेंस नहीं है। डी 3Fe सॉलिड स्टेट में प्लस 4H2 गैसेस स्टेट में, एरो Fe3O4 सॉलिड स्टेट में प्लस H2 गैस स्टेट में, ये भी हमारी बैलेंस नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द ग्राफ गिवन ब्लू डिपिक्ट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस एल्काई एरो सेल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। The pH of a solution changes as we add excess of acid to an alkyl. ये हमारा डायग्राम है, बेस में दिखा रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड एडिड एंड ऑल्डिट में दिखा रहा है pH। तो हम देख सकते हैं कि इसका 0, 7, 14 से इंक्रीज होकर डिक्रीज की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए हमें डायग्राम में। तो बताना है अभी हमें इस क्वेश्चन में, विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सेल्ट आर प्रेजेंट। इस ग्राफ को देख के बताना है कि कौन सा एरिया ग्राफ का रिप्रेजेंट करेगा बोथ एसिड एंड सेल्ट आर प्रेजेंट, जहाँ पर बोथ एसिड एंड सेल्ट प्रेजेंट होंगे। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसमें टोटल 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ए बी बी सी सी डी डी, उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 5th का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर डी 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 ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ये डी जो पॉइंट है वो हमारा डिनोट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिड एंड सेल्ट, यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारे, तो इसको टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन 5 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, जो रिएक्शन होगा हमारा आयरन का विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, केमिकल इक्वेशन दिए हमें CuSO4 प्लस Fe एरो Cu प्लस FeSO4। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। इस केमिकल इक्वेशन को देख के बताना है विच ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा जो टेबल में दिया गया है वो रिप्रेजेंट करेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस हो रहे होंगे। तो ये हमारा टेबल है, ऑप्शन ए बी सी डी, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज Fe CuSO4, रिड्यूसिंग एजेंट FeSO4 Fe। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन 6th का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए Fe और Fe। इस केमिकल इक्वेशन हम दे सकते हैं कि Fe जो है हमारा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और Fe रिड्यूस्ड भी एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो Fe सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और Fe रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में, वो कैटेगराइज्ड की जाती है एज। फोर ऑप्शन दिए हमें, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक टेबल दिया है हमें, अब बताना है इसमें कि इनमें से कौन सा पेरेंट एसिड की तरह दिख रहा है एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, पेरेंट एसिड दिए हमें HCl, H2CO3, H3PO3 एंड H2SO4, पेरेंट बेस दिया है NaOH, Ca इन ब्रैकेट OH का होल ट्वाइस, CaSO4, CaSO4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है जो कि हमारा पेरेंट एसिड है H2CO3 एंड पेरेंट बेस है CaOH का होल ट्वाइस, इट इज़ द राइट आंसर। तो इसको टिक कर देंगे, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डिल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ विल यू, हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे योर सेल्फ, अपने आप को, फ्रॉम द हीट जनरेटेड, जो हीट जनरेट होगी वाइल डिल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जब डिल्यूट करेंगे किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को। फोर ऑप्शंस दिए हैं, ए by adding acid to water with constant string, b by adding water to acid with constant string, c by adding water to acid followed by base and option d by adding base to acid with constant string। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए, by adding acid to water with constant string, ऐड करने पर एसिड को वाटर से कॉन्स्टेंट स्टिक पे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ई को करेक्ट टिक कर देंगे, इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन में पूछा गया है क्यों हमारा इम्पॉर्टेंट होता है बैलेंस करना इसके केमिकल इक्वेशन, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को। तो फोर ऑप्शंस आर गिवन टू अस, ए टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बी टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, सी टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड ऑप्शन डी टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 10th का ऑप्शन सी, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें एक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इसको टिक कर देंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमें एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया गया है डायग्राम में विथ लेबल्स ए बी सी एंड डी, जिसमें लेबल दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। सेलेक्ट द ऑप्शंस विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शंस एंड और कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें हमें इनके नेम बताने हैं ए बी सी डी के, और इनके आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करना है और मेन फंक्शन बताना है और इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। तो फोर ऑप्शन दिए हैं, ये हमारा डायग्राम है, डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। लंग, कट एंड ऑफ रिब, ब्रोकस 1, 2, 3 and 4, इट इज़ अ हार्ट। नाउ फोर ऑप्शंस आर, ए 1 ट्रैकिया, इट इज़ सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर, बी 2 रिब्स, when we breathe out ribs are lifted, c 3 alveoli, t
थिन वॉल्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डी फोर डायफ्राम इट इज पुल्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थ्री एल्वियोलाई थिन वॉल्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको टिक कर देंगे हम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी थ्री एल्वियोलाई थिन वॉल्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सीक्रेटेड इन लोकेशन ए बी एंड सी। अब ये हमें एक डायग्राम दी गया है, इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम, जो करेक्ट एंजाइम दिखा रहा है दैट इज सीक्रेट, जो सीक्रेट होगा इन लोकेशन ए बी एंड सी में। ये हमारा डायग्राम है, ये एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आप लोगों को, देखना आप लोग। 1 2 3 थ्री पोजीशंस दिए हैं, फोर ऑप्शंस आर गिवन, ए 1 लिपेस 2 ट्रिप्सिन 3 पेप्सिन, बी 1 एमाइलेस 2 पेप्सिन 3 ट्रिप्सिन, सी 1 ट्रिप्सिन 2 एमाइलेस 3 कार्बोलेस, एंड डी 1 प्रिमेस 2 कार्बोलेस 3 ऑक्सीडेस। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, 1 पोजीशन पे क्या होगा, 2 पोजीशन पे क्या होगा, 3 पोजीशन पे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, सीक्वेंस होगा हमारा क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमारा 1 नंबर का होगा अमाइलेस, 2 नंबर का होगा पेप्सिन, एंड 3 नंबर का होगा ट्रिप्सिन। तो क्वेश्चन 12 में हम ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, इट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन, फोर ऑप्शंस आर गिवन, ए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, बी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, सी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अराउंड स्टोमेटा, एंड डी वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल्स। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है हमारे स्टोमेटल पोर में डिपेंड्स ऑन, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन 13 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल, जो वाटर प्रेजेंट होता है गार्ड सेल पे उस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, इट इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द फिगर गिवन बिलो शोज अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेबल्स 1 to 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल विथ इट्स फंक्शन। ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। अब हमें इसमें बताना है कि जो हमारा 1 2 3 4 है जो पोजीशन, वो क्या क्या है। अभी हमें इसमें फोर ऑप्शन दिए हैं, बता रहा है जिसमें ऑप्शन ए में बता रहा है 1 पल्मोनरी वेन होगा, टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट, बी 2 पल्मरी आर्टरी टेक्स ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट, सी 3 ऑर्टा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, डी 4 वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट ऑर्टिकल ऑरिकल। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो कि 4 होगा, फोर्थ है जो हमारा वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल। तो इसको टिक कर देंगे, इट इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन डी इट इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फेस ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो, एरोस इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर्स शोन। ये हमें डायग्राम दिया है, इट इज़ अ डायग्राम, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई द फेस ऑफ सर्कुलेशन, आइडेंटिफाई करना है फेस ऑफ सर्कुलेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, जो कि रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में, ऑफ हार्ट गिवन बिलो, एरोज
इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर्स शोन, एरो हमारा इंडिकेट कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर्स शोन। तो फोर ऑप्शंस आर गिवन टू अस, ए ब्लड ट्रांसफर्ड टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली, बी ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली, सी ब्लड ट्रांसफर्ड टू द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल साइमल्टेनियसली, एंड ऑप्शन डी ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम लंग्स एंड आफ्टर ऑक्सीजनेशन एंड इज रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी जो कि बोला गया है ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। ब्लड जो होगा हमारा ट्रांसफर्ड होगा लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए एंड इज पम्प्ड, उसको पम्प्ड किया जाएगा इनटू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली। तो इट इज़ अ राइट आंसर, उसको टिक कर देंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है, ये हमारी बायोलॉजी के चैप्टर में मिल जाएगा, साइंस के बायोलॉजी चैप्टर में मिल जाएगा आप लोगों को। ये डायग्राम है, इसमें इंडिकेट किया गया है 1 2 3 4। डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें पूछा गया है हमसे मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2। हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इन अ टेबल। 1 दिया है ए द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट्स, 2 बी इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, 3 सी इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लिपेस एमाइलेज एंजाइम एक्शंस, एंड 4 डी दिस इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। ए में दिया है 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। बी 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, सी 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी, 4 का ए एंड डी 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो हमें सीक्वेंस दिया है 1 का बी होगा, 1 का बी इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, 2 का सी, 2 का सी होगा इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लिपेज एंजाइम एक्शन, एंड 3 का डी होगा दिस इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, एंड 4 का हमारा होगा ए द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट्स। इसको मैं मैच कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। 1 का होगा बी, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। यह होगा हमारा करेक्ट मैच द फॉलोइंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन पेशेंट्स टीथ। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर, कौन सा मिरर यूज किया जाता है बाय अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा, टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन पेशेंट्स टीथ, स्मॉल कैविटी को ऑब्जर्व करने इन पेशेंट्स टीथ में। 4 ऑप्शंस आर गिवन, ए कॉन्वेक्स मिरर, बी प्लेन मिरर, सी कॉनकेव मिरर एंड डी एनी स्फेरिकल मिरर। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है। तो इसको टिक कर देंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
Now move to the next question. Question number 18. Which diagram shows image formation of an object on a screen by a converging lens? Four diagrams diye, diagram A, this, diagram B, this, diagram C, this, and diagram D, this. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच डायग्राम, कौन सा डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिखा रहा है इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर बाय अ कॉन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस के द्वारा. उसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी. ऑप्शन सी करेक्ट हमें दिखा रहा है. पहले हम देख लें तो ऑप्शन ए में नहीं फॉर्म हो रहा है, ऑप्शन बी में नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी में हो रहा है, ऑप्शन डी में भी नहीं हो रहा है. तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा. तो टिक कर देंगे. डायग्राम को अच्छी तरह देख लीजिए आप लोग, ये डायग्राम है, स्क्रीन, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट, तो इसकी ये इमेज फॉर्म कर रहा है, इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट. क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बनाएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट when a light from a point source is incident on it, जब कोई light from a point source, एक point source is incident, incident की जाएगी उस पर, mirror पर. तो four options are given to us, A, concave mirror as well as convex lens, B, convex mirror as well as concave lens, C, two plane mirror placed at 90 degree to each other, D, concave mirror as well as concave lens. तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को यूज़ किया जाएगा. तो उसको राइट कर देंगे. क्वेश्चन 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. कंसीडर दीज इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास, ग्लास का दिया है 1.52, एयर का दिया है 1.0003, वाटर का दिया है 1.333, बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ थ्री मटेरियल, अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें तीन चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, ग्लास का है 1.52, एयर का है 1.003, वाटर का है 1.33. अब इनके बेसिस पे हमें बताना है कि थ्री मीटर अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बतानी है थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. स्पीड ऑफ लाइट को बताना है इनमें से पास, जब लाइट को पास किया जाएगा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो फोर ऑप्शंस आर गिवन टू अस, ए, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ग्रेटर होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ग्रेटर होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, बी, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ग्रेटर होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ग्रेटर होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ग्रेटर होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ग्रेटर होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, एंड ऑप्शन डी, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ग्रेटर होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ग्रेटर होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में बताया गया द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होगी वो ग्रेटर होगी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से, और स्पीड और द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ग्रेटर होगी द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से. तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे, इट इज़ राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट, जब कोई बीम ऑफ रेड लाइट को एंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट, और बीम ऑफ वाइट लाइट को आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल, इंसिडेंट किया जाएगा सेम एंगल पर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लाइंड किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 21. इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट
एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल. जब बीम ऑफ रेड लाइट को एंड बीम ऑफ वाइट लाइट को आर इंसिडेंट एट द सेम एंगल, इंसिडेंट किया जाएगा सेम एंगल पर, ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, एक इंक्लाइंड सरफेस ऑफ प्रिज्म में, फ्रॉम एयर मीडियम, एक एयर मीडियम में, एंड प्रोड्यूस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रोड्यूस करेंगे वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड वी रिस्पेक्टिवली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ए आर इज इक्वल टू वी, बी आर इज ग्रेटर देन वी, सी आर इज इक्वल टू वन अपॉन वी, एंड डी आर इज मोर देन वी. तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी, आर स्मॉलर देन वी. जो आर होगा हमारा वो स्मॉलर देन होगा वी, यानी कि जो द बीम ऑफ रेड लाइट स्मॉलर होगी द बीम ऑफ वाइट लाइट. ऑप्शन डी इट इज़ द राइट आंसर, इसको टिक कर देंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. ये हमें एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए. एक ग्राफ में हमें लाइन दी है, पोल, फोकस, सेंटर, कॉनकेव मिरर है. अब इसमें बोला गया है एग्जामिन द अबव फिगर, एग्जामिन करना है फिगर को, एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्ट, और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ऑप्शन ए द मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन +1. ऑप्शन बी द मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1. सी द मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन +1. एंड ऑप्शन डी द मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1. तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी द मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर. जो मिरर होगा उसका फोकल लेंथ होगा -3 सेंटीमीटर एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1. वो प्रोड्यूस करेगा एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन विथ -1. तो ऑप्शन बी राइट होगा, इसको करेक्ट कर देंगे. ऑप्शन बी इट इज़ राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. ये हमें एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम को ध्यान से देख लेते हैं, NCERT बुक में मिल जाएगा. एयर जा रहा है पोल से, टच कर रहा है, फिर एयर ग्लास है, ये हमारा ये ओ पॉइंट है. क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एयर टू ग्लास में एट द पॉइंट ओ पर ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज क्या होगा. एंगल बताना है, ए 45 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 90 डिग्री एंड डी 180 डिग्री. उसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन बी 0 डिग्री. वो 0 डिग्री होगा हमारा, देख सकते हैं ये 0 डिग्री हमारा है इस एंगल पर, तो इसको टिक कर देंगे. ऑप्शन बी इट इज़ द राइट आंसर, 0 डिग्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. अ प्रिज्म ए बी सी विथ बी सी एज बेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस. अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज शोन इन बिलो फिगर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रिकल कॉरस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई. ये डायग्राम है NCERT बुक में मिल जाएगा. 1, 2, 3, 4 ये प्रिज्म है हमारे, और ये दिखा रहा है कि लाइट को पास किया जा रहा है. तो ऑप्शन दिया है ए 1, B 2, C 3 एंड D 4. तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन 24 का आंसर होगा ऑप्शन बी 2.
टू राइट है, तो ऑप्शन बी को टिक कर देंगे।